नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज रीजनिंग का हम नया चैप्टर लेकर आए हैं और वो भी वर्बल रीजनिंग यानी अजय चौहान जी का बुक से हम। और आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी चैप्टर के कारण रिजल्ट नहीं आता है। यदि इस चैप्टर को पकड़ बनाना है तो वीडियो को एकदम आखिरी तक देखना पड़ेगा। दोस्तों आज जो हम थ्योरी से संबंधित बात को चर्चा करेंगे यानी पढ़ाने हम जा रहे हैं सिलोजिज्म में। सिलोजिज्म मतलब न्याय निगमन, ठीक है। और वो भी इस बुक से यानी वर्बल रीजनिंग के बुक से। देखिए यहाँ वर्बल रीजनिंग, परफेक्ट वर्बल रीजनिंग, ठीक है। और जो अजय चौहान जी का बुक है इसी से आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। और इसमें 166 क्वेश्चन है टाइप वन में। यदि पूरा क्वेश्चन बना जा रहे हैं तो कोई भी ऐसा सिलोजिज्म से क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, यह मेरा गारंटी है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। लेकिन अभी लाइक नहीं कीजिएगा, लाइक वीडियो के अंतिम में कीजिएगा यदि आपको समझ में आए तब, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों अभी चुनाव पंचायत चल रहा है, थोड़ा प्रचार हो रहा है तो आपको आवाज़ थोड़ा मिल रहा होगा, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। कभी कभी जब प्रचार इधर से गुजर रहा है तो थोड़ा आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले हम थ्योरी मतलब कि इस किताब से थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं आखिर कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। बस तीन कहानी आप याद रखिएगा, जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा सिलोजिज्म चैप्टर में, ठीक है। तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, इसमें कथन और निष्कर्ष होता है, ठीक है। कथन निष्कर्ष होता है। कथन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, कथन है कि सभी लड़का चोर है, सभी लड़का चोर है, चोर है, ठीक है। दोस्तों रियल में होता नहीं है, ऐसा थोड़े है कि दुनिया का सब लड़का चोरे है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको 100% सत्य मानना पड़ेगा, ठीक है। कथन दिखने में नहीं रहेगा 100% सत्य, लेकिन आपको 100% सत्य मानना ही पड़ेगा। सभी लड़का चोर है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि यह सही है, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, इस चैप्टर का नाम है सिलोजिज्म, ठीक है। सिलोजिज्म मतलब न्याय, ठीक है, न्याय निगमन, ठीक है। हाँ तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा ये पहले ध्यान दीजिए। सभी लड़का चोर है, ध्यान दीजिए, ये सब लड़का बना दिए, ठीक है। ये पूरा जो सर्कल है ना, ये सब लड़का का सर्कल है, लड़का का सर्कल है, ठीक है। अब सभी लड़का चोर है तो पूरा लड़का हो गया, ये चोर के अंदर भेज दिए इसको। ऊपर का डायग्राम हो गया चोर के, निचल का हो गया लड़का के, यानी सब लड़का जो है चोर के अंदर है कि नहीं है, यानी सब लड़का चोर है। चलिए निष्कर्ष पे ध्यान दीजिएगा कि निष्कर्ष कैसे कैसे दिया जाता है। कुछ चोर लड़का है, ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष है कुछ चोर लड़का है, कुछ चोर लड़का है, ठीक है। अभी देखते जाइए आप, फिर अगला निष्कर्ष है कि कुछ लड़का चोर है, कुछ लड़का चोर है। चलिए आपको निष्कर्ष देखना है इस कथन के अनुसार, यह निष्कर्ष जो है सही है कि नहीं है। और निष्कर्ष जो है ना 100% जब सत्य होगा वही निष्कर्ष आपका सही होगा। तो ध्यान दीजिए यहां पे कह रहा है कि कुछ लड़का, कुछ चोर लड़का है, कुछ चोर लड़का है, सही बात है। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि मान लेते कि पूरा जो है ना खेत, एक मान लीजिए खेत, मान लीजिए पूरा खेत जो है किसका है, चोरवा का खेत है, चोरवा का खेत है। लड़का गया है और इतना दूर लड़का छेक लिया है जगह, तो बताइए चोरवा वाला भाग कुछ लड़का में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा आया ना, मतलब कुछ चोर लड़का है, तो पूरा चोर का अति है फील्ड है, और थोड़ा सा ही चोरवा ले लिया है, थोड़ा सा ही लड़कावा ले लिया है, तो चोरवे का ना थोड़ा सा ही भाग ले लिया है, यानी कुछ चोर लड़का है, यह बात सही है। निष्कर्ष एक, ये निष्कर्ष एक है और ये निष्कर्ष दो है। चलिए अब यह समझिए, एक कहानी समझिए, कहानी नंबर वन, कहानी नंबर वन समझिएगा, तीन कहानी रटना है दोस्तों। कहानी नंबर वन,
ठीक है, कहानी नंबर वन समझिएगा। मान लेते हैं कि एक टोकरी है, क्या है, टोकरी है, एक टोकरी है, इसमें से आम रखा हुआ है, इसमें आम है, बहुत सारे आम है, इसमें बहुत सारे आम है, बहुत सारे है, ठीक है। तो हम कोई बच्चा को बोलेंगे कि भाई जाइए तो एक आम लेके आइए, था वो आदमी गया और इस टोकरी में देख रहा है कि इसमें तो आम कोई सड़ा है, कोई पका है, कोई लाल माल दो है, कोई सफेद माल दो है, कोई बिज्जू है, हम कौन ले, सर्ज कौन मांगे हैं पता नहीं। उका किया वो बच्चा कि पूरा टोकरिए लेके मेरे पास पहुंच गया, वो लड़का पूरा टोकरिए लेके मेरे पास पहुंच गया, अब आप ही बता दीजिए कि हम जो आम मांगे थे वो आम आया कि नहीं आया, मेरे पास आया कि नहीं, एकदम आया। काहे कि आपको पता होगा जब बजरंग बली मतलब हनुमान जी सजीवनी बूटे के लिए गए थे पर्वत पहाड़ पे, तो वो देख रहा है कि किधर सजीवनी बूटी है, क्या कहे हैं, हम भूल गए, तो उनको तो याद नहीं था, जब तक ले फिर कुछ नहीं जाते तब तक ले उनकी कहानी खत्म हो जाता, मतलब जिनके लिए ले जाया जा रहा था उनकी कहानी खत्म हो जा। वो का किए सूझे ना बूझे अब पहाड़े के उठा के लेके चल गए, तो बताइए कि पहाड़ गया वहां पे पूरा पर्वत चल गया, तो उसमें सजीवनी बूटी गया कि नहीं गया, गया बिल्कुल गया। वही बात है, हम बोले एक बच्चा को जाइए आम लेके आइए, वो बच्चा टोकरिए लेके चलाया, तो हम जो आम कहे थे वो आम मेरे पास आ गया, भले दूसरा भी आम आ गया लेकिन मेरा आम आ गया। वही बात यहां है, कुछ चोर लड़का है, कुछ चोर लड़का है, तो चोरवा वाला भाग लड़का थोड़ा सा ले लिया, ये पूरा में पूरा चोर के भाग है, इतना सा लड़का है, तो हम बोले हैं कुछ चोर ले, कुछ चोर लड़का है, तो कुछ चोर जो है ना लड़का में है, काहे कि पूरा क्षेत्र जो है चोर का है, इतना दूर लड़का ले लिया है, तो चोरवा वाला भाग कुछ लड़का वाला ले लिया कि नहीं, यानी कुछ भाग ले लिया, इसलिए निष्कर्ष एक सही है। अब दूसरा निष्कर्ष पे ध्यान दीजिएगा, कुछ लड़का चोर है, हाँ देखिए कुछ लड़का चोर है, कुछ लड़का जो है ना चोर के अंदर है, तो यहाँ है कि सभी लड़का चोर है, सब लड़का जब चोर है तो कुछ लड़का जरूर चोर होगा, क्योंकि ये पूरा जो है मान लीजिए टोकरी है और ये एक आम है, तो टोकरिया लेके मेरे पास पहुंच गया, तो बताइए कुछ लड़का आया कि नहीं आया, लड़का आया, इसलिए कुछ लड़का चोर है, ये भी सही है। तो आपका जो ऑप्शन होगा उसमें होगा निष्कर्ष एक तथा निष्कर्ष दो, दोनों अनुसरण करता है, मतलब दोनों सत्य है, ठीक है। आते हैं कहानी नंबर दो पे, चलिए हम इसको रोकते हैं, वीडियो को रोक देते हैं, समय ज्यादा लग जाएगा, चलिए चलिए कथन दूसरा पे चलते हैं, दूसरा कथन देखिएगा, कथन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, आप एक एग्जाम्पल दिया है, सभी किताब पेन है, सभी किताब पेन है, किताब पेन है, सभी किताब पेन है, चलिए पहले इसका डायग्राम बना लीजिए उसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। सभी किताब पेन है, तो ये पूरा जो है ना किताब किताब है, ये पूरा किताब है, सभी किताब पेन है, यानी पेन के अंदर में चल जाएगा, पेन के अंदर में पहुंच गया, चलिए ठीक है। आपका एक और निष्कर्ष दिया, कथन दिया हुआ है, कुछ पेन स्याही है, कुछ पेन स्याही है, कुछ पेन स्याही है, चलिए ध्यान दीजिएगा, सभी किताब पेन है, तो सब किताब पेन के अंदर में पहुंच गया, अब दे रहा है कुछ पेन स्याही है, कुछ पेन जो है ना स्याही, पेन वाला भाग जो है ना इससे स्याही है, ये क्या है, स्याही है। अच्छा दोस्तों, ये पूरा जो है ना बड़का ब्रिज जो दिख रहा है, ये तो पूरा पेन का है, पूरा पेन का है, तो हम कहेंगे कि इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, काहे कि अभी भी तो हम पेने के भाग लिए हैं, भले उसमें किताब के भाग थोड़ा आ गया हो। चलिए अब कहानी सुन लीजिए, दूसरा कहानी, दूसरा कहानी सुन लीजिए, कहानी नंबर टू, कहानी नंबर टू, मान लेते हैं कि एक रोटी है, क्या है, रोटी है, अब इस रोटी में इतना भाग में घी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, घी, यहां घी भी कले है, देख लीजिए, यहां डिजिटल बोर्ड नहीं है,
जो लाल पीला हरा ब्लू काला कर दे, ठीक है, यहाँ सब कुछ है, रोटी भात सब यहाँ कले होता है, ठीक है। ये मान लिए रोटी है, हम किसी विद्यार्थी को बोले कि बाबू जाओ थोड़ा रोटी तोड़ कर लाओ, वो बच्चा गया और रोटी जो है ना यहाँ से तोड़ के लेके चले गया, इतना रोटी वह जो है ना तोड़ के लेके चले गया। फिर दूसरा बच्चा को बोले कि बाबू तुम भी रोटी थोड़ा तोड़ कर लाओ, वो बच्चा गया है आ इतना रोटी तोड़ के ले गया, इतना रोटी तोड़ के लेके चला गया, इतना, ठीक है, इतना लेके चला गया। तो आप बताइए वो दोनों बच्चा सही काम किया है क्या? देखिए सोच क्या, हमने मांगा है रोटी, वो दोनों बच्चा रोटी लेके पहुंचा, ये दोनों सही है, हमने जो कहा था वो बच्चा किया और रोटी लेके मेरे पास आया, लेकिन इसमें घी लगा है। अब ये तो बात हम बच्चा को नहीं बोले थे कि घी वाला को छोड़ देना है, हमने तो केवल रोटी मांगा था, तो रोटी दोनों तो रोटी लेके गया, भले थोड़ा सा घी चल गया वो बात अलग है। वही बात यहां पे है, मान लेते हैं कि यह जो है ना ये जो पूरा भाग है पेन का है, तो हम एक ये पूरा रोटी है, ठीक है, ये पूरा रोटी है, ठीक है, आई इतना दूर में घी लागल है, ये पूरा रोटी है, पेन वाला भाग जो है ना बड़का वृत्त वो रोटी का है और किताब वाला भाग जो है घी का है। तो एक बच्चा को कहे तो इतना रोटी तोड़ के ले गया और दूसरा बच्चा इतना रोटी तोड़ के ले गया, ये तोड़ा तो है रोटी, भले उसमें घी चल गया वो बात अलग है, लेकिन तोड़ा है रोटी ही। तो इतना लिया है पेन वाला भाग लिया है स्याही में, भले इसमें थोड़ा सा किताब चलाया है, यहां भी पेन ही लिया है लेकिन इसमें किताब नहीं गया है, तो यहां दो केस बन गया। लेकिन दोस्तों जानते हैं ना कोर्ट में न्याय जो होता है 100% साबूत सत्य मिलता है तब ये न्याय होता है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम दो आदमी झगड़ा करके गए, हम कह देंगे जज साहब को सर ये हमको मारा है, तो ऐसा थोड़ा कि जज साहब कह गया तुमको मारा है इसको फांसी दे दो, ऐसा नहीं ना कहेंगे, नहीं 100% सबूत चाहिए तब जाके फैसला होता है। अंत ऐसा नहीं कि आप झगड़ा करके गए और जज साहब कह दिया तुमको झगड़ा किया इसको फांसी दे दो, ऐसा नहीं होता है, 100% सबूत चाहिए सत्य, ठीक है। तो वही बात है, अब ये समझ गए तो अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ किताब पेन है, समझिएगा निष्कर्ष, कुछ किताब पेन है। निष्कर्ष दूसरा क्या है, कुछ स्याही किताब है, निष्कर्ष एक है। निष्कर्ष दो क्या कहता है, कुछ स्याही किताब है, ठीक है। तीसरा निष्कर्ष कहता है, इसमें तीन गो निष्कर्ष दिया है, कुछ पेन किताब नहीं है। चलिए इसको बाद में लिखते हैं, पहले दो को समझिए, ठीक है। अब देखिए कि निष्कर्ष कौन सही है, ये तो डायग्राम बन गया, अब ये दोनों कौन, ये दोनों में से कौन सत्य है, ठीक है, मतलब दो वकील रहता है ना, एक छोड़ाने वाला एक फंसाने वाला, तो वही वकील है। चलिए यहां का कुछ किताब पेन है, देखिए तो कुछ किताब जो है ना, हाँ कुछ किताब तो पेन है, जब सब किताब जो है पेन है तो कुछ किताब पेन काहे नहीं होगा, जैसे आम वाला बात है, जब टोकरी में सब आमे हैं, हम जो आम मांगे हैं वो आम पहुंचिए गया, जब सब है तो कुछ भी कुछ जरूर है, ठीक है, जब सब है तो कुछ जरूर है। तो यहां देखिए सब किताब पेन है, यहां कह रहा है कुछ किताब पेन है, हाँ है, जब सब है तो कुछ तो हले है, सही है, ऑप्शन एक जो है सही है। दूसरा निष्कर्ष में देखिए क्या कहता है, कुछ स्याही किताब है, देखिए कुछ स्याही है, पूरा भाग स्याही का है, स्याही वाला भाग किताब में इतना आया कि नहीं, इतना किताब का है, तो इतना भाग किताब वाला भाग जो है स्याही में है कि नहीं है, यहां से तो सही दिख रहा है, क्या यहां से देख लीजिए, यहां से देखिए इतना लिए हैं तो इसमें किताब कहां आया, मतलब कन्फ्यूजन है, 100% सत्य नहीं दिख रहा है, यहां से तो किताब में ठेका ही नहीं है और यहां से किताब में आ गया है, किताब जो है स्याही में आ गया है, इसलिए यहां से सही दिख रहा है लेकिन यहां से नहीं, तो कन्फ्यूजन है, तो मामला गड़बड़ वाला में आंसर ना दीजिएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, कुछ स्याही किताब नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है, कहा कि यहाँ कन्फ्यूजन है, यहाँ किताब वाला भाग स्याही में आ गया है और यहाँ नहीं आया है,
ठीक है, इसलिए इसको गलत दे दीजिएगा, कंफ्यूजन वाला क्या आंसर नहीं कभी कीजिएगा, ठीक है, इसलिए दूसरा निष्कर्ष जो है गलत है। तीसरा निष्कर्ष को देखिए, चलिए इसी में बताते हैं। कुछ पेन किताब नहीं है, कुछ पेन किताब नहीं है, कुछ पेन किताब नहीं है, किताब नहीं है, ये सही है कि नहीं? देखिए, कुछ पेन किताब नहीं है, कुछ पेन किताब तो है, तो कुछ पेन किताब है तो कुछ पेन नहीं है, मतलब कुछ पेन किताब है तो कुछ नहीं है, आप ये सोच रहे होंगे। लेकिन जब कथन में कहीं नहीं का चर्चा नहीं किया हो तो निष्कर्ष नहीं वाला को अपने आप गलती ठहरा दीजिएगा, इसको देखना ही नहीं है। ऑप्शन में नहीं है मतलब निष्कर्ष में नहीं लगा है, और कथन में कहीं निगेटिव नहीं दिख रहा है, जब निगेटिव कथन में नहीं देखे तो निष्कर्ष में निगेटिव वाला को पहले ही गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे, आते हैं तीसरी कहानी पे, रोकते हैं वीडियो को। चलिए, अब एक आइदर का केस होता है इसमें, आइदर का, ठीक है, आइदर का केस होता है। ये भी ध्यान दीजिए, रेलवे में खूब पूछता है, पांच पांच क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। चलिए हम कथन लिखते हैं, कथन लिखते हैं, कथन क्या कहता है कि सभी किताब पेन है, सभी किताब पेन है, सभी किताब पेन है। निष्कर्ष कथन दूसरा कहता है कुछ पेन स्याही है, कुछ पेन स्याही है, कुछ पेन स्याही है, स्याही है। चलिए पहले डायग्राम लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद में निष्कर्ष लिखेंगे। सभी किताब पेन है तो एक किताब हो गया, पूरा भाग जो है ना किताब का हो गया। अब पेन है तो सब किताब पेन के अंदर में पहुंच गया, पेन पेन मतलब कलम होता है। अब कुछ पेन स्याही है, कुछ पेन स्याही है, यानी कि हम ऐसे बना लिए तो सही है, स्याही है, स्याही है, कुछ पेन स्याही है। तो दोस्तों यहां भी तो बन सकता है, यहां भी तो बन सकता है स्याही, क्योंकि हम पूरा भाग तो बड़का ब्रिज जो है वो पूरा पेन का भाग है, हम तो यहां पेन उठाए हैं भले इसमें किताब चलाया, हम तो रोटी मंगाए हैं भले उसमें घी चल गया, ठीक है, वही बात है। तो चलिए अब हम निष्कर्ष लिखते हैं, निष्कर्ष, निष्कर्ष एक क्या कहता है कि कुछ किताब स्याही है, कुछ किताब स्याही है, कुछ किताब स्याही है, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष कहता है कोई किताब स्याही नहीं है, कोई किताब स्याही नहीं है, कोई किताब स्याही नहीं है, स्याही नहीं है, ठीक है, कोई किताब स्याही नहीं है। चलिए अब यहां समझिएगा, निष्कर्ष सत्य है कि नहीं दोस्तों? ये आइदर वाला कैसा है, आइदर का मतलब या तो ए या तो ए, मतलब या तो एक या तो दो, यही सब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सभी इधर डायग्राम बन गया, इस कथन के अनुसार डायग्राम बन गया सही। अब निष्कर्ष एक देखिए, कुछ किताब स्याही है, कुछ किताब जो है स्याही में आ गया, देखिए इतना भाग जो है किताब वाला उस स्याही में आ गया है, कुछ किताब स्याही है, लेकिन यहां से तो नहीं दिख रहा है किताब और स्याही में कोई रिलेशन यहां बन ही नहीं रहा है, इससे तो बन गया लेकिन यहां से नहीं बन रहा है, तो 100% तो सही नहीं है, 100% सत्य होगा निष्कर्ष, उसी को आंसर दीजिएगा। तो कुछ किताब स्याही है तो यहां से तो किताब स्याही में आया है लेकिन यहां से नहीं आया है, यानी कि 100% सत्य भी नहीं है। आगे देखिए, कोई किताब स्याही नहीं है, कोई किताब स्याही नहीं है, कोई किताब स्याही, हाँ यहां यहां से तो दिख रहा है कि नहीं है लेकिन यहां से किताब जो है स्याही में है, तो यहां बोला है कोई किताब स्याही नहीं है, यहां से तो नहीं है, बात सही है लेकिन यहां से तो दिख रहा है कि है, तो दोनों तो सही नहीं हो सकता है। कहने का सेंस यहां यह है कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति चोरी किया है, एक व्यक्ति चोरी किया है मेरे घर में, तो दो वकील है कोर्ट में गया फैसला होने, एक था छुड़ाने वाला और एक था फंसाने वाला चोर को, ठीक है, दो वकील, एक वकील फंसाने वाला और एक वकील जो है मतलब कि छुड़ाने वाला। चलिए तो वकील साहब गया, ठीक है, पहला वकील किया, कहा कि सर मतलब मिलोड, चलिए यहां देखिए कोई चोर नहीं है, कुछ किताब स्याही नहीं है, तो जज साहब बोले कि हाँ
कोई किताब स्याही नहीं है, हाँ सही बात है, यहाँ तो इसमें रिलेशन नहीं है तो सही है, कुछ किताब स्याही नहीं, स्याही है, कुछ किताब स्याही है, पहला बोल रहा है कुछ किताब स्याही है, तो यहाँ देख रहा है कि हाँ किताब वाला भाग तो स्याही में है, ये तो बात सही है। दूसरा वकील बोला कि सर सुनिए अभी चलिए यहाँ देखिए हमारा सबूत देखिए, कोई किताब स्याही नहीं है, यहाँ देखिए कोई किताब स्याही नहीं है। जज साहब बोले कि हाँ ये भी बात तो सही है कि यहाँ देख रहे तो कोई नहीं है लेकिन यहाँ तो देख रहता है, तो देख लीजिए यहाँ पे तो दोनों को तो सही दिख रहा है, वकील जो है दोनों अपना अपना सही दिखा दिया, लेकिन क्या दोनों सही हो सकता है? नहीं हो सकता है, या तो चोर नहीं होगा या चोर होगा, दोनों में से कोई एक होगा, या तो चोर होगा या तो चोर नहीं होगा, तो इसका जो आंसर होगा देखिए कुछ किताब स्याही नहीं है, यहां से किताब और स्याही में कोई रिलेशन नहीं है, कोई किताब स्याही नहीं है, कोई किताब स्याही नहीं है, कोई किताब स्याही नहीं है, देखिए यहां से किताब तो स्याही में आ गया है, अब निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो, इसका आंसर जो दिया आंसर दिया निष्कर्ष निष्कर्ष एक, या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो, यहां निष्कर्ष लिख दीजिए शॉर्टकट लिखते निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, अनुसरण करता है मतलब कि या तो एक सही है या दो सही है, सही है दोनों में से, निष्कर्ष के बुंदा है ठीक है, दोनों में से कोई एक ही सही होगा तो यही आइदर वाला केस होता है, या तो निष्कर्ष एक सही है या तो निष्कर्ष दो सही है, बस यही तीन कहानी पे पूरा सेलोलिज में नागिन डांस करेगा ठीक है। तो दोस्तों आज के क्लास में केवल थ्योरी ही रहने दिए हैं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगली वीडियो में हम इस बुक से आपको हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ठीक है, और पूरा समझ में आएगा ये 100% गारंटी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन के साथ, जय हिंद।